अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ ऑल्सो द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर टू। सो द लेक्चर इज़ अबाउट द एनिमल्स लाइफ साइकिल। आई हैव टोल्ड यू एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ लाइफ साइकिल। क्लियर? हेयर इज अ डायग्राम ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। स्टूडेंट्स, हेयर इज गिवन अ लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। And I wanna tell you that bees are of three types: queen bee, worker bee, and drones. Clear? First of all, you have to know that bees are of three types: queen bee, worker bee, and drones. Clear? And the life cycle starts from first one is egg. The life cycle of a bee begins when the queen bee lays egg. The eggs are laid in a honeycomb cell. After 3 to 4 days, the egg hatches and the larva crawls out. Students, the life cycle of bee starts from the eggs. When the queen bee lays egg, you know that queen bees just lay the eggs. जो queen bee होती हैं वो just अंडे देती हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। Clear? वो हनी कॉम्ब के अंदर एग देती हैं और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद उसके अंदर से एक लार्वा निकलता है और वो लार्वा एक यू कैन से दैट एक कैटरपिलर की तरह होता है। क्लियर? सेकंड, यू कैन सी दैट लार्वा इज लाइक अ वर्म। यू हैव सीन? ओके, लार्वा, द बी लार्वा लुक्स लाइक अ फैट वर्म। लार्वा जो होता है वो एक फैट वर्म की तरह होता है। यू कैन सी हियर। क्लियर? एज इट ग्रोज द लार्वा शेड्स इट्स स्किन। इट डज दिस 5 times। द लार्वा इज फेड बाय वर्कर बीज। वर्कर बीज आर फीमेल बीज हु कांट प्रोड्यूस एग। स्टूडेंट्स, जो लार्वा होता है वो अपने ऊपर से 5 times 5 दफ़ा अपने ऊपर वाली स्किन को उतारता है। उसके बाद जो वर्कर बीज होती हैं ये फीमेल बीज होती हैं और ये इनको फीड करते हैं। दीज बीज कलेक्ट द जूस फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स एंड फीड द लार्वा। क्लियर? आफ्टर 8 or 9 days द लार्वा इज फुली ग्रोन एंड इज नॉट फेड एनीमोर। द वर्कर बीज सील्स द टॉप ऑफ द सेल। आफ्टर 8 to 9 days द larva is fully grown up and it does not need any feed. Clear? After that the worker bee seals the top of the cell just like it. You can see here worker seals the cell. इसने worker ने ऊपर से, ये अगर एक cell है इसके अंदर larva है तो उसने ऊपर से इसको बंद कर देता है। Clear? Third step is pupa. You can see there. During the pupa stage, the bee lives within the cell. The cell protects as it grows wings and other features that it will need to survive as an adult. This stage can take between 16 to 24 days. After larva, it becomes pupa. Pupa में क्या होता है कि जो cell होता है वो अपने, जो cell के अंदर larva होता है वो अपने wings निकाल लेता है। विंग्स निकालता है, अपनी लेग्स निकालता है, अपनी आईज बनाता है और इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। इट टेक्स 16 to 24 days टू कम्प्लीट दिस वर्क टू मेक देयर आईज लेग्स एंड फीदर्स। क्लियर? सो एडल्ट आफ्टर 24 days when the bees is fully grown, it comes out of the its cell and enters the world. 24 days के बाद वो adult हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। और वो क्या करती है कि वो fully जब grown हो जाती है तो वो अपने आप को ये देखे यहाँ से और ये इस seal को तोड़ती है और तोड़ के बाहर आ जाती है। There are 3 types of adult bees. I have told you in the starting. Queens, workers and drones. There are 3 types. Queen and worker are female, drones are male. All play a role in the life cycle of a new bees. Queen lays the egg, worker bees feed them and drones
do nothing. They just stay in the honeycomb. Clear students? You can see here, there is given the all stages. The queen lays eggs in a wax cell. It is the egg laid by queen bee. Worker feeds hatched larva. यहाँ लार्वा जो निकला इसको जो वर्कर भी है वो फीड करवा रही है. एंड इट बिकम्स लार्वा रीच फुली ग्रोन. यहाँ पे लार्वा जो एक फैट फॉर्म की तरह बड़ा हो गया है. एंड द वर्कर बीज सील्स द सेल. अब लार्वा बिकम्स प्यूपा. प्यूपा में क्या हुआ, ये लार्वा एक फैट फॉर्म था और प्यूपा में ये एक बी की शेप है, लेकिन इसकी जो लेग्स हैं, आईज हैं और इसके जो विंग्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं. ये प्यूपा के अंदर अपने इन सारी चीज़ों को ग्रोन अप करेगा और देन एडल्ट बी लीव्स द सेल. क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर गिवन टू क्वेश्चंस. नेम द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बी. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ एडल्ट बीज, विच वन लेज एग. नाउ स्टूडेंट्स पिक अप योर नोट्स. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बी. एग, larva, pupa, adult. Question number 8, what are the three types of adult bee, which one lays egg. Turn the page. Question number 9, write a note on larva. Question number 10, what are the worker bees. Question number 11, write a note on pupa. Next one, when larva comes out of the eggs. Clear students? You will learn these questions because these are related to your topic and your unit has been completed. Thank you.